कैडबरी क्रॉकर का ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर ब्राउनी मिक्स आता है 390 रुपए का एमआरपी है। क्या ये उतना पैसा देने के लायक है ये आज हम लोग ढूंढ निकालेंगे। भाई प्रे कर भाई, बस ये निकल जाए ढंग से। खत्म है खेला। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका द फूड लॉजिक प्रैक्टिकल्स में। और ऐसे सेटिंग में हम लोग एक प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और उसका किचन एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। और आज के वीडियो में है पेटी क्रॉकर का ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर ब्राउनी मिक्स, लव्ड इन अमेरिका। और पेटी क्रॉकर आर नोन फॉर देयर बेकरी इंस्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ये इंस्टेंट मिक्स है इसका, इसको बस अंडा पानी और तेल डाल के इसको घुमाना रहता है एंड ये आपका आधे घंटे में ब्राउनी तैयार हो जाएगा। ये आता है 390 रुपए का एमआरपी है, 425 ग्राम नेट क्वांटिटी है। तब मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा बनेगा, बट क्या ये उतना पैसा देने के लायक है ये आज हम लोग ढूंढ निकालेंगे। तो जल्दी से इसको बनाना चालू करते हैं। ये है ब्राउनी मिक्स और इसमें नट्स दिख रहा है यार। हाँ भाई, मेरे को लगा नट्स भाई, चोको चिप है। हम लोग एक्स्ट्रा भी लिया है। नहीं, ये चोको चिप है। अच्छा, व्हाइट चॉकलेट चिप। यस, मेरे ऑडियंस को भी तो दिखना चाहिए कहाँ हम लोग क्या करें। बहुत अच्छा इसका स्मेल है। और ये देखिए, इसको ट्रिपल चॉकलेट आखिर बोलते क्यों है? दबा के चॉकलेट है। नहीं, इसमें व्हाइट चॉकलेट है और ये तो चॉकलेट कोकोआ पाउडर है। हाँ। तो इसीलिए इसको ट्रिपल चॉकलेट मिक्स बोलते हैं। वेरी गुड, तो काफी अच्छा है। इसमें डालना है 2 अंडे। तो ये एगलेस नहीं है, तो जो लोग एगलेस है उन लोग के लिए अलग मिक्स एक ले आएंगे हम लोग। पिल्सबरी का एगलेस था। हाँ, पिल्सबरी का वो केक मिक्स एगलेस है। तो 2 अंडा चला गया। इसमें जाएगा 65 ml ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आप चाहे तो यू नो बटर या कोई प्रीमियम फैट यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी हम लोग प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और ये 15 ml सब्सक्राइब जस्ट 15 ml जिस। और इसको पहले 30 सेकेंड लाइट हैंड से मिक्स करने बोला है, ठीक है, ताकि उड़े उड़े ना। और ये देखिए कितना ज्यादा बढ़िया लग्जूरियस एक बैटर जैसा तैयार हो रहा है। 30 सेकेंड के बाद यू हैव टू विगरेसली मिक्स फॉर 3 मिनट्स। तो अब मेहनत चालू होगा। तो इसको 30 सेकंड के लिए आपको थोड़ा कम स्पीड में विस्क करना है ताकि जितना भी वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसका एक मिक्सचर बन जाए और वो पाउडर उड़े ना। एंड देन विगरेसली मिक्स। बहुत हार्ड हो गया बैटर। हाँ, तो इसीलिए आपको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, लाइक विस्क अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, पैन स्टडी होना चाहिए, ये सब मैटर करता है। सारे का लिंक, डेस्क बाइंग लिंक्स, इक्विपमेंट्स का प्लस बेकिंग इक्विपमेंट्स वगैरह का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस हमारा वेबसाइट है, डू चेक इट आउट, द फूड लॉजिक डॉट इन। ओके, 3 मिनट हो गए। इसमें हम अपना नट्स कब डालेंगे? तो ये जो नट्स है इसको बढ़िया से थोड़ा ब्रेकिंग करके खैनी जैसा क्रश कर दीजिए, क्योंकि वो जो ब्राउनी में है वो नट्स बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्रेसिशन में डाला रहता है, ये दिल से बनाने वाला रेसिपी है, तो आप इसमें वैसे ही बनाइए। एंड जब आप क्रिसमस न्यू ईयर में बेकिंग करते हैं, इट्स अ वेरी, मतलब काफी जॉयफुल फीलिंग, तो उसमें प्रेसिशन वगैरह उतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखते। तो नट्स खैर हम लोग का एडिशन है, आप चाहे तो इसको, ये ना इंस्ट्रक्शन में बोलता है डालने के लिए और उतना जरूरी भी नहीं है, बट अगर है आप ये बेकिंग ट्रे को ग्रीस करना है तो पुट सम वेजिटेबल ऑयल। अगर आपके पास ग्रीसिंग पेपर है तो ग्रीसिंग पेपर यूज करिए। ब्रश है तो बहुत अच्छा है, हम लोग बेकिंग कम करते हैं जिसके वजह से हम लोग हाथ से ही कर देते हैं, टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो और अच्छे से ग्रीस करिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रहा तो फिर बीटी हो सकता है आपका केक निकलते टाइम में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रीस योर पैन रियली वेरी वेल। एक बार आपका मिक्सर पूरा डला गया तो इसको बस इवन आउट कर दीजिए कोने कोने तक। अवन को 180 डिग्री सेल्सियस में प्रीहीट करिए एंड देन ये जाएगा अवन में फॉर 25 टू 30 मिनट्स। तो ये है इसका बेकिंग टाइम, इसको डालते हैं एंड वी मीट आफ्टर 25 टू 30 मिनट्स। ये गया ब्राउनी, अब देखते हैं क्या होगा। ये पूरा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, हम लोगों को जितना करने बोला गया था हम लोगों ने कर दिया। हो गया भाई बेक, लेट्स सी। और इसको जस्ट एक क्विक चेक कर सकते हैं, बट ब्राउनी क्योंकि फजी होता ही है इसमें, हो सकता है, बट दिस हैज कम आउट वेरी क्लीन। तो ये है साइन कि हम लोग का ब्राउनी बेक हो चुका है अच्छे से। इसको 10 मिनट अभी ठंडा होने के लिए छोड़ना है एंड देन विल टेक इट आउट फ्रॉम द पैन, कट, हैव अ चॉकलेट सॉस और आपको बताएंगे क्या रिव्यू। तो हो गया भाई 10 मिनट और इस ब्राउनी को अब कट करने का बारी आ गया। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लुकिंग वेरी डेलिश। एंड कम से कम अगर आप छोटे छोटे ब्राउनी, छोटे भी नहीं मीडियम साइज ब्राउनी, या नौ निकल जाएगा 3:3 में। यस, और 6 निकल जाएगा बहुत अच्छा साइज। हाँ, एंड ब्राउनी काफ़ी फजी रहता है, ठीक है, तो इसको ये मत सोचेगा कि बहुत स्पंजी बेक होगा ये। दिस हैज़ टू बी फजी टेक्सचर, देखिए ये जो टेक्सचर आ रहा है गूई फजी। ये है भाई, भाई प्रे कर भाई, बस ये निकल जाए ढंग से। निकला ये देखो भाई, इंडल्जेंट ब्राउनीज है भाई और बहनों। और आपको शॉप से भी ब्राउनीज, कोई कोई शॉप से काफी अच्छे शेप में मिलेंगे, बट ऐसे ही रहता है थोड़ा सा आना टेढ़ा। अब यहाँ से आपको सारा काफी अच्छे से निकल जाएगा। वो ब्राउनी काफी सही है, आर्यन का फरमाइश है। ये देखिए ये आया,
पीस। परफेक्ट। फजी, वॉलनट, चॉकलेटी और तीन पीस निकालते हैं ये बीच वाला जो सबसे प्रीमियम पीस रहता है किसी भी ब्राउनी का। जस्ट टू मेक द एक्सपीरियंस मोर इंटेलिजेंट, हम लोग के पास थोड़ा सा गनाश है जो कि हम लोग इसको टॉप करेंगे। तो जस्ट आप इसको जैसे भी चाहे आप ऐसे डाल सकते हैं। चॉकलेटी, चॉकलेटी में सी, ये देखिए। और ये अपने गर्मी से ही पिघलना चालू हो जाएगा। वॉलनट, क्योंकि ब्राउनी वॉलनट्स के बिना तो पूरा ही नहीं है ना। ये है कैरेमल्स, वॉलनट्स के कैरेमल्स। आर्यन, यू रेडी टू ट्राई? आई रेडी। मतलब ये लिटरली मेरे सामने 240 से 300 रुपए पड़ा हुआ है। मिलता ही 80-90-100 टाइप का रेंज में। और इसके साथ अगर आइसक्रीम ऐड कर दे हाँ तो और 20-30 रुपए पड़ जाता है। 20-30? तुम कहाँ सस्ता रेस्टोरेंट का बात कर रहे हो। नॉर्मल एवरेज। ब्राउनी बनके तैयार है, एकदम स्क्रम्शुअस, डिलीशियस और बहुत चॉकलेटी लग रहा है। और एकदम नहीं लग रहा घर में बना हुआ, लग रहा है कि बाहर से लाया गया। बस अब इसको बस टेस्ट करना और कुछ नहीं। और क्रिसमस का टाइम आ रहा है भाई, ये सब अभी नहीं बनेगा तो कब बनेगा? चॉकलेट सॉस पूरा ले लेंगे भाई। हां भाई, सॉस तो चाहिए। एक स्पूनफुल ले लिया हूं। खत्म है खेला। दिस इज एपिक। मतलब मार्केट में भी ऐसा ब्राउनी ना मिले भाई, बहुत जगह ना मिले। बेटी रॉकेट बहुत अच्छा ब्रांड है आई वुड से, और इसके काफी प्रोडक्ट्स अब लाना चाहिए। रिव्यू एकदम एकदम। और ये आता है भाई कितने का? 390 390 का। बट बेस्ट बैंग लिंक्स तो हमेशा मिलते हैं। बेस्ट बैंग लिंक्स मिलेगा, प्लस ये जो ब्राउनी है वो 390 से ज्यादा है वर्थ। अगर आप मार्केट में लेने जाओ, कुछ एक्स्ट्रा गनाश ऐड कर दो, एक्स्ट्रा नट्स ऐड कर दो, इट विल बी द बेस्ट ब्राउनी यू कैन हैव एट होम। और भाई मतलब एवरेज रेस्टोरेंट से बहुत बेटर है मुझसे। एंड जस्ट टू सी एज अ कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू, हां आगे रखने में तैयार हो जाता है। यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू मिक्स द ऑयल विद द विद ऑयल एंड एग्स, दैट्स इट। तो एक और बाइट हो जाए। और भाई क्रिसमस का माहौल है एकदम, अभी नहीं बनेगा कब बनेगा? विंटर आ चुका है। कोई भी बर्थडे हो, कोई भी टाइप का ओकेजन हो जहां आपको लगे कि हां केक भी बनाना चाहिए, दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड क्रिसमस के टाइम इट्स रियली गोइंग टू बी लाइक ट्रूली इंटेंडेड आई वुड से। सॉरी डैड, एक बार खाते हैं फिर से आपको बताते हैं। तुम बस खाने मांग रहा है भाई, क्यों नहीं जाऊंगा, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, एक बार बाद में खाता हूँ आपको बिल बता देता हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फूड रिव्यूज के लिए हमारे चैनल द फूड लॉजिक को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल में ऐसे ऐसे न्यू रेसिपीज भी आते हैं, अगर आपको नहीं पता रहता है हम भी ट्राई करते हैं, आपको भी सिखाते हैं, खुद सीखते हैं। तो प्लीज उसके लिए भी द फूड लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वेबसाइट में जाएं www.thefoodlogic.in, वहां पे बहुत सारे हम लोग जो भी रिव्यू करते हैं वहां आपको मिल जाएंगे सारे लिस्ट। वहां से आप डायरेक्टली बाय करो, बेस्ट बैंगलिंग से एकदम सुपर डुपर ऑफर के साथ। ट्राई करिए द बेस्ट थिंग्स जो कि हम आपको बताते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है, वी ऑनेस्टली टेल यू व्हाट वी टेल। सो मिलते हैं इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान, सुरक्षित रहें।